एवरीवन, वेलकम टू मेडसी। आज ये हमारा सेकंड वीडियो है क्लिनिकल एनाट सीरीज में। तो आज हमारा टॉपिक है मैकबर्नीज पॉइंट। ये जो टर्म है मैकबर्नी, ये दी गई थी एक अमेरिकन सर्जन ने, चार्ल्स मैकबर्नी। मैकबर्नीज पॉइंट ये एरिया होता है जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में 9 रीजन्स होते हैं, उसमें ऐसे क्वाड्रेंट और लाइन से डिवाइडेड है वो 9 रीजन्स में। तो ये जो मैकबर्नीज पॉइंट है, ये उन रीजन्स के राइट इलियक रीजन में प्रेजेंट होता है। मैकबर्नीज पॉइंट आप इमेजिन करिए पहले कि अम्बिलिकस और जो राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है, वहां से एक लाइन गई है अम्बिलिकस और उसको ज्वाइन करती हुई। मैकबर्नीज पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है? लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 के जंक्शन में प्रेजेंट होता है उस लाइन के। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मैकबर्नीज पॉइंट की पोजीशन। अब हम देखते हैं मैकबर्नीज पॉइंट का क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, क्यों हम मैकबर्नीज पॉइंट इतना पढ़ते हैं। तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। जब भी कोई पर्सन को एक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है, तो ये एरिया होता है ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस, मैकबर्नीज पॉइंट। इसे अपेंडिसाइटिस के दौरान मैकबर्नीज पॉइंट में टेंडर फील होता है, तो इसे बोलते हैं मैकबर्नीज साइन। ये तो थी नॉर्मल टेंडरनेस की बात। अब हम देखते हैं डीप टेंडरनेस के बारे में। अगर मैकबर्नीज पॉइंट में डीप टेंडरनेस फील हो रही है, इसका मतलब जो अपेंडिसाइटिस है वो एक लेटर स्टेज में इवॉल्व हो चुका है। अब इन्फ्लामेशन जो अपेंडिक्स में था वो स्प्रेड हो चुका है, वो अपेंडिक्स के कॉन्टैक्ट में जो भी पेरिटोनियम है उस तक। थर्ड पॉइंट है, अगर आपको टेंडरनेस फील होती है मैकबर्नीज पॉइंट में, तो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट अ श्योर डायग्नोसिस कि अपेंडिसाइटिस ही हुआ है। एब्डोमेन में जितने भी दूसरे प्रोसेसेस है, अगर उनका भी इन्फ्लामेशन हुआ है, तो उसके कारण भी मैकबर्नीज पॉइंट में टेंडरनेस फील हो सकती है। सो इट इज नाइदर नेसेसरी नॉट सफिशिएंट फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ